भारत की एक बेटी जिसका जन्म पुणे शहर में हुआ, नाम रखा गया लैला। वो 10 दिन की ही थी कि माँ बाप ने उसे बेसहारा छोड़ दिया, लेकिन आज वो ऐसे पॉइंट पर खड़ी थी जहाँ पूरी दुनिया टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रही थी। लैला अब लीसा स्लेकर बन चुकी थी और वो ऐसा इतिहास रचने जा रही थी जिससे ऑस्ट्रेलिया की किस्मत चमक सकती थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि लैला का ऑस्ट्रेलिया से क्या रिलेशन था और लैला लीला कैसे बनी? आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि जिसे उसके माँ बाप तक ने छोड़ दिया, आज वो ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड बन गई है। और लैला थी कौन? इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। ये है महाराष्ट्र का पुणे शहर, जिसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। खैर, 13 अगस्त साल 1978 को यहाँ लीला स्लेकर उर्फ लैला का जन्म हुआ। लेकिन स्लेकर की जिंदगी की कहानी किसी खूबसूरत सीन से शुरू नहीं होती। जब उनकी उम्र की लड़कियां आंचल की छांव में पल रही थी, तब उसके माँ बाप ने उसे बेसहारा छोड़ दिया और लैला अनाथ आश्रम वालों को मिल गई। हालांकि लैला को भी उन दिनों की याद नहीं होगी, उस वक्त वे महज 10 दिन की थी जिसे अब अनाथ आश्रम वाले पाल रहे थे। लीसा को अनाथ आश्रम में रहते अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि एक कपल अनाथालय पहुंचा। कपल अमेरिका के मिशिगन में रहता था, जिनका नाम था हेरन और स्यूस लेकर। एक्चुअली उनकी पहले से ही एक बेटी थी, इसलिए लेकिन वो एक बेटे को गोद लेना चाहते थे। उन्होंने लड़की की खूब तलाश की लेकिन उन्हें मिला नहीं, जिसके बाद स्यू की नजर पूरी आंखों वाली नन्ही लैला पर पड़ती है और उसे देखते ही स्यू को उससे प्यार हो गया। लैला को परिवार के प्यार और देखभाल की जरूरत थी, इसलिए अनाथ आश्रम वालों ने उन्हें लैला को गोद लेने का सुझाव दिया, जिसके बाद इस कपल ने डिसाइड किया कि वो लैला को ही गोद लेंगे। सभी लीगल प्रोसेस पूरी करने के बाद कपल लैला को अमेरिका ले गया, जहाँ उनका नाम लैला से बदलकर लीसा कर दिया जाता है। वहां से परिवार केन्या गया और इसके बाद ये कपल सिडनी में सेटल हो जाता है। इस तरह लीसा का ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता जुड़ा, लेकिन जो आगे होने वाला था उसकी उम्मीद तो शायद किसी को नहीं थी। शुरुआत में हमने एक मूवमेंट की बात की थी जब पूरी दुनिया स्पेशली ऑस्ट्रेलिया लीसा स्लेकर की तरफ देख रही थी। ये बात है 17 फरवरी साल 2013 की। शाम का समय था और ठंड का मौसम, इसलिए हल्की धुंध पड़ना शुरू हो चुकी थी। लीसा स्लेकर तब भारत में ही थी। जगह थी मुंबई का ब्रेबॉर्न स्टेडियम, जहां ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच शानदार मैच चल रहा था। और ये कोई छोटा मोटा मैच नहीं, बल्कि आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, इसलिए इस पर सबकी नजर थी। मैदान फ्लड लाइट से जगमगा रहा था। वेस्टइंडीज की डायंड्रा डॉटन बैटिंग कर रही थी, जिसे वुमेन क्रिकेट का किरण पोलार्ड माना जाता है। वहीं गेंद ऑस्ट्रेलिया की लीसा स्लेकर के हाथ में थी। लीसा स्लेकर गेंदबाजी करने के लिए क्रीज की ओर दौड़ती हैं और वेस्टइंडीज की डायंड्रा डॉटन हिट करने के लिए आगे की तरफ निकलती हैं। तभी लीसा वेस्ट इंडियन खिलाड़ी को जो गेंद फेंकती है, जो डायंड्रा को चकमा देकर सीधा स्टंप से जाकर टकरा जाती है और स्टेडियम में एक जोर से आवाज गूंजती है, बोल्ड। इसके बाद स्टालेकर और पूरी टीम जश्न मनाने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उन्हें पता था और बाकी दुनिया को भी अब पता चल चुका था कि अब आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप पर ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। 20 ओवर से भी कम ओवर्स में 150 रन की जरूरत थी। वहीं वेस्टइंडीज के पास प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं बचे थे। 2 और ऑफ ब्रेक के बाद स्टालेकर अपने साथियों की पीठ थपथपाते हुए अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस चली जाती हैं। माहौल काफी शानदार था, सिर्फ स्टेडियम में दर्शकों की तालियों की कमी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये स्टालेकर का आखिरी कारनामा था। दरअसल इस मैच के बाद विमेंस क्रिकेट में सबसे महान ऑलराउंडर के शानदार करियर की एंडिंग होने जा रही थी। यहाँ पर ये सवाल आता है कि स्टालेकर के क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई कैसे। इसके पीछे भी एक गजब की कहानी है जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो अब भारत से अमेरिका आने और लैला से लीसा बनने के बाद करियर की बारी थी। दरअसल लीसा के पिता हेरन को क्रिकेट से बहुत प्यार था। बचपन से ही उसके पिता उससे क्रिकेट की बातें किया करते। वो अपनी बेटी के साथ अपने घर के पीछे बने बैकयार्ड में क्रिकेट खेला करती। इसके बाद लीसा पास के ग्राउंड में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगी। स्टालेकर ने अपनी खुशी से क्रिकेट की दुनिया में एंट्री की थी। वो बताती हैं उसके पिता ने उसके करियर में एक की का काम किया। वो उसे बाहर लेकर गए, उसे खेल के बारे में समझाया। जाहिर है कि उसके पिता में खेल के लिए असली जुनून था, जैसा कि ज्यादातर भारतीयों में होता है। वो खुद भले ही एक अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी कमियों का एहसास था, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि लीसा को बहुत कम उम्र में ही सबसे अच्छी कोचिंग मिल जाए।
उन्होंने हर पॉसिबल मदद की जिसकी लीसा को जरूरत थी और कुछ सालों में लीसा अपने खेल को लेकर सीरियस हो गई। लेकिन लीसा ये नहीं जानती थी कि लड़कियां ऑफिशियली इस खेल को खेल सकती हैं। इसलिए हेरन ने लोकल क्लब्स में पूछताछ की कि क्या लीसा के पास क्रिकेट खेलने का कोई मौका है। हालांकि उसे पेनांट हिल्स के लिए अंडर 10 खेलने के लिए ले जाया गया था, लेकिन असली खेल शुरू होने से उसे पहले जेंडर इनइक्वालिटी से लड़ना था जो खुद उसके अंदर चल रही थी। दरअसल लीसा इस बात को छिपाना चाहती थी कि वो एक लड़की है, इसलिए वो लंबी पैंट्स पहनती थी और बॉलिंग करते समय हमेशा अपनी टोपी पहनकर रखती थी। ये सब तब तक चला जब तक उनके इंटरनेशनल करियर का अंत नहीं हुआ। एक फनी इंसिडेंट का जिक्र करते हुए स्टालेगर ने अपनी पुस्तक शेखर में लिखा है कि तब वो बल्लेबाजी करते वक्त हेलमेट के बजाय टोपी पहना करती थी। ये उसके लिए एक बढ़िया बेस साबित हुआ। हालांकि उस वक्त उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये कितना अच्छा है। लेकिन इस बीच एक दिन वो विकेटों के बीच दौड़ रही थी, स्पीड होने की वजह से उसकी टोपी गिर गई और जैसे ही वो जमीन पर गिरी उसका वो सीक्रेट ओपन हो गया जो वो इतने सालों से छिपाती आ रही। इससे पहले वो अपनी टोपी दोबारा पहनती, एक लड़के ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे वो लड़का नहीं लड़की है। हालांकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं थी। लीसा अंडर 16 तक लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रही। वो लड़कों के साथ खेलने में इतना कंफर्टेबल थी कि जब उसे आगे चलकर लड़कियों के साथ खेलना पड़ा तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगी। अगर स्टालेगर की शुरुआती करियर की बात करें तो उसे सबसे पहले न्यू साउथ वेल्स में कंबाइंड हाई स्कूल क्रिकेट कॉम्पिटिशन में खेलने के लिए चुना गया था जिसमें वो अपने एरिया की तरफ से खेली थी। इसके बाद वो लगातार आगे पढ़ती रही क्योंकि उन्हें जल्द ही उस टीम में सिलेक्ट कर लिया गया जो नेशनल चैंपियनशिप खेलने वाली थी। इसमें न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरियन खिलाड़ी शामिल थे जहां स्टालेगर ने लगातार शानदार परफॉर्म किया, जिसके बाद स्टालेगर को अंडर 19 न्यू साउथ वेल्स टीम के साथ ट्रेनिंग लेने का मौका दिया गया। यहीं पर उनकी मुलाकात स्टीव जेनकिन से होती है जिन्होंने उसे इंटरनेशनल से लेकर सभी लेवल्स पर खेलने की कोचिंग दी। इसके अगले ही साल वो न्यू साउथ वेल्स अंडर 19 टीम में शामिल हो गई। हालांकि यहां उनका सफर आसान नहीं था। वो शुरुआत में इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाई थी। अपने साथियों से कदम मिलाकर चलना और उनकी उम्मीद पर खरा उतरना स्टालेगर के लिए मुश्किल था। इसलिए जब तक टीम राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची तब तक स्टालेगर को टीम से बाहर कर दिया गया। स्टालेगर की माने तो मेहनत से ज्यादा ये उसका नेचुरल टैलेंट था जो उसे सिर्फ इतनी दूर तक ही ले जा सकता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसे असल में इस पर काम करना शुरू करना होगा और इसे सीरियस लेना शुरू करना होगा। लीसा ने अपने पूरे करियर में ऐसे मोमेंट्स और सिचुएशंस को फील किया जहां उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लेना था कि उसे अपने खेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए या फिर इस करियर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ये रास्ता सही है या गलत, यही वो वक्त था जब उसने खेल को लेकर अपनी कमिटमेंट पर सवाल उठाना शुरू किया। लीसा ने इस बात पर ध्यान दिया कि वो अपने फेवरेट गेम में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और कितना अच्छा परफॉर्म करना चाहती हैं और ये उसके लिए गेम चेंजर मोमेंट था। जल्द ही इस चेंज का असर परफॉर्मेंस पर भी दिखने लगा। हालांकि जब तक नेशनल चैंपियनशिप खत्म हो चुकी लेकिन उसके अगले ही साल उसने बल्ले और गेंद दोनों से इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसे जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। वहीं कुछ ही सालों के भीतर उसे CHS यानी कंबाइंड हाई स्कूल टीम का कप्तान भी बना दिया गया जिसमें न्यू साउथ वेल्स ओपन टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल थे। टीम को खेलने के लिए इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर जाना था। इस दौरान लीसा स्टालेगर ने एक शानदार ट्रिपल सेंचुरी लगाई। इस तरह वो लगातार आगे बढ़ती रही। उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए ICC वर्ल्ड कप भी खेला और जीता भी। लीसा का क्रिकेट करियर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने कुल 8 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 416 रन बनाए और 23 विकेट लिए। इसके अलावा लीसा ने कुल 125 वनडे मैच खेले जिसमें उन्होंने 2728 रन बनाए और 146 विकेट अपने नाम किए। T20 की अगर बात करें तो लीसा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 54 T20 मैच खेले हैं जिनमें कुल 769 रन बनाए और 60 विकेट भी लिए। वो पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे मैचों में 2000 से ज्यादा रन बनाए हों और 100 से ज्यादा विकेट भी लिए हैं। अगर ICC रैंकिंग की बात करें तो वो इस रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर पहले नंबर पर थी। लीसा ऑस्ट्रेलियन टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं, साथ ही 4 वर्ल्ड कप टाइटल यानी वनडे और T20 कप अपने नाम करने वाली टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। वहीं आंकड़ों के बेसिस पर ये कहना मुश्किल होगा कि स्टालेगर बैट्समैन अच्छी थी या फिर बॉलर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही ये फैसला कर लिया था कि वो खेल के हर पहलू में शामिल होंगी, इसलिए वो एक ऑलराउंडर बन गई और हमेशा मैदान में खुद की खास जगह बनाए रखी। भले ही लीसा का बॉलिंग रिकॉर्ड शानदार रहा हो लेकिन उसने हमेशा बैटिंग का ज्यादा मजा लिया है।
वहीं उसने अच्छे रन भी बनाए हैं, मतलब लीसा ने अच्छी बैटिंग भी की है, लेकिन उनकी बॉलिंग को नकारा नहीं जा सकता। उनकी बॉलिंग ने ही उन्हें डोमेस्टिक लेवल में आगे बढ़ने में मदद की। उन्हें साउदर्न स्टार्स टीम में एक बॉलर के रूप में भी सिलेक्ट किया गया था जो बैटिंग भी कर सकती थी, लेकिन स्टार्लिकर को 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था जहां वो सिर्फ एक रन ही बना पाई। हालांकि उन्होंने टीम को अपने ऑफ ब्रेक से प्रभावित भी किया। लीसा ने अपने 8वें ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके बाद से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी गेंद से अच्छा योगदान दिया और 24.97 की औसत से 146 विकेट हासिल किए। टेस्ट मैचों और T20 इंटरनेशनल मैचों में उनका औसत और भी बेहतर रहा। उनका करियर बेहद शानदार रहा। महिला क्रिकेट में लीसा एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने वनडे मैचों में 1000 से अधिक रन बनाए और 100 से अधिक विकेट भी लिए। स्थलेकर ने 2012 में अपनी ऑटोबायोग्राफी शेखर भी लिखी। वो एक रेगुलर ब्लॉगर भी हैं और अक्सर क्रिकेट पर अपनी राय लिखती रहती हैं। हालांकि वो खुद इस बात पर हैरान हैं कि वो लिख भी सकती हैं। भले ही लीसा की पूरी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में बीती, लेकिन आज भी वो उन दिनों को याद करती हैं जब वो भारत आती थी। वो भारत में भले ही ना रही हो, लेकिन अपने देश से जुड़ाव महसूस करती हैं। अक्सर वो अपनी पूरी यादों को शेयर करती हैं जब वो छत पर पतंग उड़ाती थी, सड़क किनारे पान खाने जाती थी। हालांकि भारत में सबसे यादगार पल के बारे में बात करते हुए वो अपनी दादी का जिक्र जरूर करती हैं, जिनके साथ बिताए गए पल उनके लिए सबसे यादगार है। उसने बताया कि उनका घर बिल्डिंग में सबसे ऊपर की मंजिल पर था, जिसमें करीब 4 बेडरूम्स थे और उसके नीचे ही एक स्कूल था जहां उनकी दादी हेडमिस्ट्रेस थी। जब स्कूल चलता था तो वो अपनी दादी के पीछे पागलों की तरह भागती थी। लीसा स्कूल की छुट्टियों में दादी से मिलने भारत आती रहती थी और उनके साथ खूब मौज मस्ती करती। स्कूल खत्म होने के बाद वो एक खिलाड़ी के रूप में भी कई बार भारत का दौरा कर चुकी हैं। खैर जो भी हो, लेकिन लीसा के माँ बाप की गलती की वजह से भारत ने एक बेहतरीन खिलाड़ी को खो दिया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।